नमस्कार दोस्तों, गाइस औरतों को दुनिया में क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान के अलावा एक ये चीज चाहिए कि चाहिए फ्रीडम। हम जो चाहते हैं हम वो कर पाए, अपने टर्म्स पे जिंदगी जी पाए। और आज का जो शो होने वाला है ना वो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि मेरे गेस्ट ऐसे हैं ना वो अपने टर्म्स पे जिंदगी जीते हैं और ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते हैं ना जिसे देख के मैं तो झूम जाती हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी झूम जाते हो। और मैं ना सस्पेंस क्रिएट करने में विश्वास नहीं रखती हूँ, तो आइए चलते हैं, मिलवाती हूँ अपने प्यारे से गेस्ट के साथ जिनका नाम है री देसवाल। मुझे पता है आप लोग कैमरे के पीछे से तालियां बजा रहे हैं, तो मैम सबसे पहले तो वेरी वेरी वेलकम मेरे शो पे, आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इतना वार्म वेलकम हुआ है सबकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, स्पेशली श्री की तरफ से, तो सच में फीलिंग गुड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू कि आप आए, मेरे एक इनविटेशन पे आए। और मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि जब सेलिब्रिटीज हमारे मैसेज का रिप्लाई करते हैं और आते हैं, और मतलब लगते ही नहीं कि यार यार सेलिब्रिटी है, इतने प्यार से आते हैं, बिल्कुल भी ईगो नहीं दिखाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपकी जर्नी है जिस वजह से मैं और हम सब लोग आपको जानते हैं, ठीक है, आपके कंटेंट देखते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2018 में जब टिकटॉक था, उस टाइम पे मैंने वीडियोस ऐसे ही जस्ट बनाना स्टार्ट किया था, तो काफ़ी प्यार मिला मुझे उन वीडियोस पे, काफ़ी मतलब लोग देखते थे मुझे। तो उसके बाद ये हुआ कि टिकटॉक बड़ ऑब्वियस बैन हो गया, बट इंस्टाग्राम ने फिर से वो प्लेटफॉर्म दिया सबको कि अपना अपना टैलेंट आप सामने रख सकते हैं, तब थोड़ा इंस्टाग्राम से भी प्यार रिसीव होने लग गया। तो वैसे मैं वर्किंग हूँ, मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली इस लाइन में जा रही हूँ, बट मेरा एक पैशन था डांसिंग को लेके, जो मेरा दिल करा मैंने फॉलो किया, मैंने वीडियोस डाली एंड लकीली इतना लोगों ने प्यार दिया, तो मैंने फिर वो कंटिन्यू ही रखा, क्योंकि किसको नहीं चाहिए। सही बात है, अप्रिसिएशन सबको चाहिए, अप्रिसिएशन और प्यार तो सबके मतलब कहते हैं ना बेसिक नीड है हम लोगों की। मतलब आपने मुझे बताया कि आप जिंद से आते हैं, हरियाणा से आना एक लड़की के लिए, फिर इस लाइन में जाना बिना बैकअप के, है ना, आपका कोई सपोर्ट भी नहीं है कंटेंट में, तो फिर आप मतलब सिर्फ आप अपने लक पे विश्वास रखते हैं कि आप अपने लक के कारण चले, लोगों का इतना प्यार मिला आपको? एक्चुअली मैं जींद में आई थी 2008 में, उससे पहले मैं जींद में नहीं थी, तो काफी मुश्किल हुई थी स्टार्टिंग में ये बताना कि मेरा ये पैशन है या फिर मुझे ये करना है आगे जाके। काफ़ी मना भी हुआ घर पे कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता ये सब, लड़कियाँ नहीं करती हैं, और लोग क्या कहेंगे, सबसे मेन बात थी लोग क्या कहेंगे। तो काफ़ी टाइम लगा मनाने में, समझाने में, उसके बाद फिर जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरे मन की करनी है, अगर मैं पास होती हूँ तो आप मुझे करने देना, अगर मैं फेल होती हूँ मैं चुपचाप पीछे हट जाऊँ। और लोगों ने एंड में क्या कहा कि क्या बात है, क्या डांस करते हैं? हाँ, अब तो लोग पहचान बताते हैं ना कि हम भी इसको जानते हैं, ये हमारी रिलेटिव है, मेरी दोस्त है, अब सबको जान पहचान निकालनी है अपनी। ऐसा ही होता है दोस्तों, जिस भी चीज का आपका मन है ना वो आप करिए, लोगों की मत सुनिए। लोग बाद में क्या कहते हैं, अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं, है ना, तो लोगों की बात मत सुनिए, पर सुनिए आप देशभक्त रेडियो 107.8 FM आपकी आवाज। तो मैम मैंने देखा कि आपने अपने अकाउंट से सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो बैक कर रखा है, वो है गोविंदा जी, और उनको कौन नहीं जानता, हीरो नंबर वन के नाम से जानते हैं, बहुत प्यारे प्यारे नाम से उन्हें जानते हैं, तो उनसे आपका क्या रिलेशन है, क्या प्यार मोहब्बत है कि सिर्फ एक को फॉलो दे रखा है? सिर्फ एक, क्योंकि गोविंदा जो सर है, अब मैं उनको ना जी बोल सकती हूँ ना मैं सिर्फ गोविंदा बोल सकती हूँ, मेरे लिए सर है, क्योंकि मुझे आज तक जो भी सिखाया है, जो भी मैंने ट्रेनिंग कह सकते हो आप, ऑफिशियल मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने जितना भी सीखा है अभी तक किया है उन्हीं को देख के किया, क्योंकि क्या होता है ना कि जो डांसर होता है उस वो जानता है कि म्यूजिक को किस तरीके से प्यार किया जाता है, तो म्यूजिक से प्यार करते हुए जो डांस किया है ना, एक ही शख्स है हमारी पूरी इंडस्ट्री में, वो है गोविंदा सर, उन्होंने ही सिखाया है कि आप शब्दों से प्यार करके जब अपने बॉडी लैंग्वेज से उसे बताते हैं ना, तो कितना प्यार से दिखता है सामने वाले को, और वो कनेक्ट भी होता है। मुझे याद
याद है बचपन में हम लोगों ने उनकी मूवीज देखी हैं, उन लोगों उनसे ही डांस सीखा है, उनकी और करिश्मा की इतनी अच्छी जोड़ी थी, इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी। उनकी मूवीज ऐसी होती है कि हम लोग अब कितनी बार भी देख ले बोर नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। मैं आज भी देख सकती हूँ, कितनी भी बार देख सकती हूँ। हाँ, और मतलब उनसे जो हमने डांस सीखा है, जो मतलब उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, कॉमेडी, डांस, रोमांस, गुस्सा, मतलब उनके में कोई कमी नहीं रही है। तो आपने जो आप वीडियोस बनाते हो वो भी आप गोविंदा के गाने पे ज्यादा बनाते हो जिस हिसाब से मैंने देखा। बिल्कुल, उन पे ही ज्यादा फील आती है। अगर मेरे जो दोस्त है मेरी वीडियो बनाते हैं उनको मैं बोलू ना ये गोविंदा का गाना है, रिकॉर्ड करना है, हाँ हाँ 2 मिनट में हो जाएगा वो तो, बिकॉज यू नो ईच एंड एवरी वर्डिंग ऑफ दैट सॉन्ग। तो हाँ बिल्कुल, मतलब वो आपके ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम एंड एवरग्रीन फेवरेट रहेंगे, रहेंगे भी, रहेंगे हमेशा रहेंगे। अगर कभी वो सुनने को मिले उनको तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं आज हूँ शायद उनको नहीं देखती तो शायद नहीं होती। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है वैसे किसी के लिए भी। और मुझे उम्मीद है कि रीत मैम एक दिन गोविंदा सर से मिलेंगे, क्योंकि मैम की जो वीडियोज है ना वो हर जगह इतनी छाई हुई है ना कि गोविंदा जी मुझे लगता है कभी खुद ही आगे ना कह दें कि हाय रीत कैसे हो आप, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन। मैं उस दिन गिर जाऊंगी। गिरना मत, उनकी बाहों में गिर जाना, क्या पता क्या हो जाए। तो मैम आपने बताया था कि आपका डिफेंस बैकग्राउंड है, और जब आपने मुझे बताया ना मैं थोड़ा सा शॉक में चली गई, क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड होने के बावजूद आप इतने इंतुजियाज़म के साथ वीडियोस बनाते हैं और ऐसा डांस करते हैं कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कि यार ये डिफेंस बैकग्राउंड से, क्योंकि हम लोगों की ये धारणा होती है ना कि जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। तो क्या समझूं मैं इससे मैम? सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन है डिफेंस को लेके, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड लोग मैंने डिफेंस में देखे हैं, जो कि नॉर्मल सिविल लोग नहीं है बिल्कुल भी, और एक्सेप्टेंस ज्यादा है डिफेंस में। जबकि मैं जब मेरे फादर रिटायर हुए एयरफोर्स से तो मैं अपने होम टाउन वापस आई जींद, तो वहाँ इतना नहीं है। इनफैक्ट आपके बॉडी शेप को लेके भी एक्सेप्टेंस नहीं है डिफेंस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कलर, शेप और रिलीजन के हो, वहाँ हर किसी को लेके एक्सेप्टेंस है, और आपके अंदर टैलेंट है ना तो सबसे पहले उसके लिए एक्सेप्टेंस है। ये बात सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अफसोस भी हो रहा है क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई डिफेंस भी नहीं था भाई। मतलब किसी को तो जाना चाहिए था, हमारे भी दिन अच्छे होते, पर चलिए छोड़िए क्या कह सकते हैं। बट मैं यही कहना चाहूंगी मैम कि मतलब फिर ऐसी धारणा क्यों है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पता है क्या होता श्री, जो टाइम बदल रहा है ना उसके साथ लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जिस पुरानी रिचुअल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए, कल्चर की बात नहीं है, बट थोड़ा सा अपने ना माइंड को एक्सपेंड भी करना चाहिए कि ना चीजें अगर बदल रही हैं थोड़ा सा टाइम के साथ खुद भी बदल लो। और सबसे मेन बात है जो हमारे ओल्डीज है ना वो नहीं एक्सेप्ट करते, एंड वो हमारा जो पुराना उनके साथ बीती हुई है ना वो हमारे नई जनरेशन पे थोपने की कोशिश करते हैं, वहां चीजें गड़बड़ हो जाती है। और उसी की वजह से ना एक यंग जनरेशन और एक ओल्ड जनरेशन के बीच में ना काइंड ऑफ वॉर हो जाती है। वॉर बहुत बड़ी वॉर हो जाती है, क्योंकि उनको ना समझाना मुश्किल होता है। वो अपने जो कंसेप्ट है ना वो वहीं तक रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी उन्हीं कंसेप्ट के हिसाब से चले सो दैट उनके लिए इजी हो। इजी चीज हर किसी को सही लगती है कि हाँ भाई ये मेरे लिए आसान है तो मैं कर लेती हूँ इस चीज को ना, लेकिन जब चीजें मुश्किल होनी शुरू होती है ना वहां घबरा जाते हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क फैक्टर नहीं लिया है। मतलब जो ओल्डीज है ना स्पेशल, मैं मतलब मेंशन बार-बार कर रही हूँ, क्योंकि सच में मेरे को जब मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी ना तो जो घर के ओल्डीज है उनकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। एंड इनफैक्ट जो मिड वाले हैं वो भी दिक्कत करते हैं, जो नई जनरेशन है वो फंस जाती है फिर बीच में। हाँ ये ना मतलब मेरी मम्मा टचवुड इस चीज में, मतलब मेरी फैमिली में भी इशू थे कि दादी की दादा मतलब नानी भी कूल थी, ऐसे कह सकते हैं कि मेरी मम्मी की फैमिली बहुत कूल है, बट पापा की थोड़ी हरियाणा टच आ जाता है। तो फिर वही वाली बातें जाती है कि जो आपने मेंशन किया है ना कि नया चीज को कोई ट्राई नहीं करना चाहते, रिस्क ही नहीं लेना चाहते, बस जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसी पर चलते रहो, लाइफ इजी है, जीते रहो। आप मानोगे नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ब्लैक पहनने से मना किया गया था। इसका क्या रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? थोड़ा जातिवाद हो जाएगा अगर मैं बोलूंगी तो, कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, बट हाँ ये अभी भी है। अभी भी है, अगर आप ब्लैक, वो तो मैं अब किसी की सुनती नहीं हूँ, तो मैं, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, मुझे ब्लैक कलर ही सबसे ज्यादा पसंद है कि मैं ब्लैक ही पहनना चाहती हूँ, बट
जब मैं छोटी थी मेरे दादाजी मुझे अलाउ ही नहीं करते थे कि आप ब्लैक पहनो। ऐसे बहुत सी चीजों के लिए हमें रोका गया। अगर हम लोग मजाक में कहें तो मुझे तो ये भी कहते थे कि बड़ा वीरवार को साबुन मत यूज करो, है ना, सिर मत धो, पीरियड्स में मंदिर नहीं जा। ये तो चीजें ऐसी है कि हम इसमें मतलब अब हम लोग भी सोचते हैं कि चलो नहीं जा रहे हैं, है ना, बट ये चीजें ऐसी हैं जिनका हम लोगों को रीजन कभी नहीं बताया गया कि क्यों नहीं करना, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि पूछना चाहिए। आज की जनरेशन बहुत ज्यादा वोकल हो चुकी है ना, और इसीलिए हम लोगों को पूछना चाहिए कि भाई क्यों, रीजन क्या है। एक्चुअली पीरियड्स वाली बात पे एक बात बोलना चाहते हैं, जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वहां ना मंदिर बहुत दूर होते थे, तो पीरियड्स में क्या होता है आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है पूरी, तो इसलिए बोलते थे कि आप मत जाओ मंदिर क्योंकि दूर भी होता है और आप थक जाओगी पूरा, मतलब क्योंकि बहुत डिस्टेंस पे चीजें होती थी पहले टाइम पे ना। ये कोई रीजन नहीं था कि आप अपवित्र हो, लेकिन जो पता ना दिमाग कम होता है लोगों के अंदर, तो वो उस चीज को समझते हैं कि हाँ भाई वो अपवित्र चीज है तो मत जाओ, तो वो फॉलो करते आ रहे हैं। और सबसे मेन बात है ये है दिक्कत लेडीज की, जेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और जेंट्स को इससे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ ये बात मैं आपकी समझ सकती हूँ। और इन चीजों के बीच में मैंने अपने घर में काफी आवाज उठाई है, मेरे घर वाले कहते हैं भाई इससे तो बोलो ही मत, ये तो उल्टा ही फिर हम बदतमीज कहलाते हैं। बट मेरे शो के जरिए मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी सारी विमेंस को कि गाइस अगर आपको कुछ चीज ठीक लग रही है ना और उस चीज से किसी को हार्म नहीं होता ना तो गो अहेड। सच में हम किसको क्या बोल रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी उन्हें प्रॉब्लम है और बोल दो तो ये तो बदतमीज है, ये कैरेक्टरलेस है, ये तो बाहर निकल गई हाथों से, ऐसे वर्डिंग्स आती हैं फिर। बट मुझे लगता है कि आने वाला टाइम हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि हम लोग अपने टर्म्स पे अपनी जिंदगी जीना शुरू कर चुके हैं और सीख भी चुके हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल तो मेरे सामने बैठे हैं आज। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मेरे शो पे ऐसे ऐसे गेस्ट आते हैं जिनसे मुझे बहुत सारे लर्निंग लेसन मिलते हैं। मैम जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी है इतनी ज्यादा अच्छी, इतने ज्यादा आपके अंदर चार्म है, आप मेरी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि मेरा जो शो है वो विमेंस के लिए ही है और मैं चाहती हूँ कि मेरे शो से लोगों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। सबसे पहले तो मैं आपको ही बोलना चाहती हूँ कि आपको देख के मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिली है। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी बबली एंड स्वीट एंड काइंड। जो हमारे जो लेडीज है ना जो दबके रहती हैं, जो अपने ओपिनियन सामने रखने से डरती हैं बिकॉज उनको डर है कि कहीं उनको जज नहीं किया जाए, सबसे पहले ना जजमेंटल जो चीज है ना उसका डर हटा दो कि आपको कोई जज करेगा, क्योंकि आप कुछ करो या ना करो आपको जज वैसे भी किया जाएगा। आप अगर चल भी रहे हो ना आपको उससे भी जज किया जाएगा, आप बैठे हो ना उससे भी आपको जज किया जाएगा, ये कैसे बैठी है, ठीक है। तो आप पतले हो इतनी पतली है कुछ खा लो, मोटे हो इतना क्यों खाती है, भाई तुम देखने आते हो क्या वो कितना खाती है, किसको क्या पता कि कौन अपने घर में क्या करता है, किसकी क्या पर्सनल इश्यूज है, किसी को आपस में किसी का नहीं पता, बट जज करना है क्यों, क्योंकि वो एक मेंटल स्टेट है उनका और उसको डर के, उससे डर के मतलब तुम अगर अपने मन की इच्छाओं को दबा रहे हो, मतलब जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आज की लेडीज में ना। yes, इतना पोटेंशियल है, मैंने इतने सारे क्रिएटर्स देखे हैं, मतलब हाउस होल्ड पे भी देखी है लेडीज, इतना टैलेंट है ना उनके अंदर, बट सामने लाने से डरती है क्यों, हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो इतना मैं कमा के दे रहा हूँ, सबसे मेन कमा के दे रहा हूँ। हर चीज पैसे से रिलेटेड नहीं होती है, उनको ये बात समझनी चाहिए कि ना एक पैशन जो होता है ना वो खुद की खुशी के लिए होता है, अगर आप वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हो ना आप घुट घुट के मर जाओगे, उससे अच्छा यार कर लो ना क्या जाता है। सही बात, आपको अपना पैशन फॉलो करने में आज के टाइम पे मोबाइल सबके पास है, ठीक है, वीडियो बना के डालना ही, उससे आपको खुद को ही देख के खुश होगी कि यार मैं यार कितनी अच्छी लग रही हूँ। इवन इफ किसी और को आप अच्छे लग रहे हो, मुझे कमेंट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि ये तो भूकंप इसकी वजह से आ रहा है, क्या मतलब है, मतलब तुमने साइंस नहीं पढ़ी, तुमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, वो बचपन में इंसान अगर चल रहा है मोटा है तो वो धरती पे चल पा रहा है ना, तो उसके चलने से भूकंप कहाँ से आ सकता है यार, और वो कूद रहा है, तो ये क्या नॉनसेंस कमेंट्स आते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, नेगेटिविटी से डर के, जजमेंट से डर के
जब हम छुप के बैठ जाते हैं ना तो बोलने वालों को मौका और मिल जाता है, उनकी ब्रेवरी इतनी बढ़ जाती है बोलने, और फिर बोलेंगे उनको बोल दो ना तुम अपने घर की लेडीज को बोलो ना ये बातें, हमारे घर की लेडीज नहीं करती ये सब चीजें, क्यों नहीं करती, उनको करना है तुम करने नहीं देते हो. सबसे मेन बात वो बोलते ना चौड़े होकर बोलेंगे हमारे घर की औरतें नहीं करती, उनको जाके पूछो उनके घर की औरतों से, गालियां दे रही होंगी मन में ये आदमी ऐसा है करने नहीं देता कुछ भी. सबसे मेन प्रॉब्लम यही है जड़, कि हम खुद ये सोच के बैठ जाती है क्यों कलेश करना. अरे अपने लिए नहीं लड़ोगी तो किसके लिए लड़ोगी, पति के साथ बहुत लड़ लिया, भाई के साथ बहुत लड़ लिया, घर वालों के साथ बहुत लड़ लिया, समाज से भी लड़के देखो कभी पता चलेगा कि जो तुम्हारे घर में है ऐसे ऐसे पूरे समाज में भरे पड़े, किस किस का मुंह बंद कराओगे, किस किस को बोलोगे, आप चुपचाप ही बैठे हो ना तब भी दिक्कत होगी. और आप कुछ कर रहे हो तब भी दिक्कत होगी, इससे अच्छा कर ही लो, बोलना तो वैसे भी है सबने, कम से कम खुद को तो सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने एक बार ट्राई किया. अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया. वो तुम्हारा एक तो मैं लक में बहुत मानती हूँ, जैसे मेरे साथ भी मेरे लक ने बहुत साथ दिया है. आप कोशिश करो और अगर आपके मतलब होगा ना कि आपके हिस्से में वो चीज है वो आ ही जाएगी, बट कोशिश तो करो, घर से बाहर तो निकलो उस चीज के लिए, तभी पता चलेगा ना कि आप वो चीज में अच्छे हो भी या नहीं हो. दब के बैठ जाओ फिर बोलो यार मेरे को भी शौक था पर पता है इन्होंने करने नहीं दिया. मैं बहुत सुन चुकी हूँ, पता है मेरे खुद के दोस्त हैं, खुद के जो आस पड़ोस वाले, यार मुझे भी डांस का ना बहुत शौक था बट मेरे को ना ये करने नहीं देते, कौन है ये लोग मुझे समझ में ही नहीं आता. आप अगर आप अपने घर वालों के आगे ये बात नहीं रख सकते ना तो आप समाज को तो छोड़ ही दो कि आप बता पाओगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है या फिर मैं ये करना चाहती हूँ. घर वालों से ही डरते हैं सबसे पहले तो. ओपन अप होना शुरू हो गए तभी तो पता चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स है. और आपकी इस बात से ना जो आपने बोला ना कि हम लोग टाइम जाने के बाद ये चीज रियलाइज करते हैं और दूसरा जब कर रहा होता है ना उसको देख के हम लोग ये सोचते हैं यार ये मुझे भी करना था मैं नहीं कर पाई. मुझे भी बहुत लोग ऐसे जिंदगी में मिले कि यार श्री तुम अच्छा कर रही हो मैं भी ये करना चाहती थी बट मैंने कभी बोल जा ही नहीं, मुझे घर वालों ने सपोर्ट ही नहीं किया. उसके लिए जैसे कि मैम का मैसेज था बहुत ही अच्छा था, आप उसे कंसीडर करें और लाइफ में जरूर फॉलो करें. और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगी वो ये है कि अगर आप खुद के नहीं हो ना, अगर आपने खुद को नहीं समझा ना तो आपका जन्म ही बर्बाद है. कहते हैं ना कि आपका लाइफ में आने का क्या मकसद हुआ, आपने उसे कंप्लीट ही नहीं किया क्योंकि आप सबसे पहले तो अपने आप को नहीं समझे और फिर दूसरों को नहीं समझे. आज का शो अगर कंटेंट से बातें किए बिना खत्म हो गया ना तो आप लोग मुझे बहुत ही सुनाने वाले हैं. इसीलिए जाते जाते मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि मैम आपकी कोई 2-3 टिप्स दे दीजिए मुझे, मैजिकल टिप्स जिसे हम कहेंगे, जो कंटेंट में बहुत काम आए क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि वो कंटेंट में अपना नाम कमाए, तो आपकी क्या टिप्स रहेंगी मैम? सबसे मेन टिप रहेगी कि आपका जो कंटेंट है वो जो देखने वाला है उससे लिंक करना बहुत जरूरी है. अगर सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है. आप इंडिया में रह के विदेशी चीजें कर रहे हो ना कोई नहीं देखेगा, उनको वही चाहिए जो हमारा अपना लगे कि हाँ ये इसको देख के ऐसा यार वाइब है इसके अंदर. वाइब वाली चीजें करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है. और जो भी करना साफ सुथरा करना, क्रिंज नहीं करना. ये मैंने बहुत लोग देखे हैं जो लाइक्स और व्यूज के लिए क्रिंज चीजें करते हैं, पत्ते लगा लेंगे, कुछ केले फ्रूट्स वगैरह लटका लेंगे, पान पराग की पैकेट्स लटका लेंगे. यार इतना ना मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है, सच में जरूरत नहीं है. आपके अंदर अगर टैलेंट है ना, फैशन का टैलेंट है तो उसको फैशन में ही लगाओ. ये क्या है पान पराग के पत्ते और पत्ते ग्रीन पत्ते लटका रखे हैं और ये सब, इससे ये टैलेंट नहीं माना जाता. टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी तरफ से ये जो क्रिंज वाली चीजें है ना इसको जितना अवॉइड करोगे ना, क्योंकि गालियां खाने का किसका मन करता है, जो भी क्रिंज चीजें करते हैं वो सब गालियां ही खा रहे हैं. अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना तो रिस्पेक्ट वाला कंटेंट ही दो, लाइक्स और व्यूज के लिए नीचे मत गिरो. बहुत बढ़िया बात कही ना. आजकल लोग ना सोचते हैं कि इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है ना और इसमें एंट्री लेना इतना मुश्किल है ना, तो हम ऐसी चीजें करते हैं जहां से लोग हमें नोटिस करें भले वो क्रिंज क्यों ना हो. बट मैम का जो मैसेज है वो मुझे ऑन द पॉइंट लगा. ये आप इसे टिप लें या मैसेज लें बट ये बहुत ही अच्छा था कि प्लीज यार अपने आप को रहो, ओरिजिनल रहो, तभी लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे है ना और आपको प्यार दे पाएंगे. और आखिरकार हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि लोग और ऑडियंस हमें प्यार करें, है ना.
सच में। और जितना आप अपने कंटेंट से रिस्पेक्ट कमाओगे ना, वो किसी लाइक और व्यू से बहुत ऊपर है। आपको ना इज्जत से लोग देखें ना कि हाँ यार ये बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे आपके 10,000 फॉलोअर हो, बट आपको लोग रिस्पेक्ट से देख रहे हैं ना, वो आपकी एक्चुअल अर्निंग है उस टाइम पे, कि हाँ भी आपने कुछ कंटेंट क्रिएट किया ना, तो वो इज्जत ला रहा है आपके लिए। और सबसे मेन पॉइंट ये कि जो हो दिल से वही करना, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करना। हाँ, किसी का डुप्लीकेट नहीं चाहिए होता है। हाँ, किसी का भी डुप्लीकेट नहीं चाहिए। आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो वो अलग चीज है, बट उसमें भी आप अपनापन छोड़ के जाना। जैसे डुप्लीकेट एक तो बिल्कुल ही डुप्लीकेट हो गया, लेकिन आप किसी से इंस्पायर भी हो रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा अपना टच दोगे ना, उसमें ही मतलब मजा आ जाएगा। बिल्कुल यूनिकनेस मांगती है ऑडियंस। हाँ, बिल्कुल। इसी के साथ टाइम हो चुका है दोस्तों आपसे अलविदा लेने का, पर अगर आप मेरी इस प्यारे से गेस्ट से और ज्यादा जुड़ना चाहते हैं ना, तो मैं बता सकती हूँ कि आप जुड़ सकते हैं इनसे इंस्टा के थ्रू। इनकी आईडी का नाम है रीत देसवाल, नाम की स्पेलिंग है RETDESWAL। तो मैम से जुड़िएगा, मैम की वीडियोस देखिएगा और देखते जाइएगा आज श्री और मैम ने क्या कमाल वाली वीडियोस बनाई हैं। इसी के साथ मिलूंगी आपसे कल ठीक शाम के 7 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा और सुनते रहिएगा देशभक्त रेडियो 107.8 FM, आपकी आवाज़।